आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था फ्रेंड, अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, चाहे फ्रेंड आप एक सीएससी वेली है, उस सीएससी के थ्रू कैसे आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर आप घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं। उन वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि जिनका नाम इस बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है, वो अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं और बेनिफिशियरी लिस्ट में आप कैसे नाम ऐड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा फ्रेंड की, अगर आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम नहीं है तो आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूं, उससे पहले फ्रेंड एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा क्या आप आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। इसलिए वीडियो में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा आप इसे कैसे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कंप्लीट बहुत जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के जैसे चैनल में अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि आप घर बैठे आयुष्मान कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि जिनका भी नाम आयुष्मान कार्ड में नहीं है तो कैसे आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं फ्रेंड, अगर आपका नाम आयुष्मान कार्ड में नहीं है तो कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम सच में आयुष्मान कार्ड में नहीं है और फिर उसमें आप कैसे एलिजिबल उसके लिए हो सकते हैं। इसके लिए फिर आपको यहाँ से आ जाना है इस लिंक पे, जिसका लिंक नंबर मैं किस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको सिंपली यहाँ से नंबर लिखना है जिसे फिर आपने चेक करना है। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी को नंबर लिखेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, जनरेट ओटीपी पे आपको सिंपली क्लिक करना है। आप यहाँ से फ्रेंड ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है इस बॉक्स को टिक लगा के, जिसे फ्रेंड आप यहाँ से सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से कुछ पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसका फ्रेंड आपको कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिनमें आप बाय नेम से सर्च कर सकते हैं, अपने हेल्थ आईडी कार्ड नंबर सर्च कर सकते हैं, राशन कार्ड नंबर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं फ्रेंड, और मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास राशन कार्ड का नंबर, तो यहाँ से इसे लिखेंगे, राशन कार्ड का नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे। अगर आप फिर बाय नेम सर्च करना चाहें तो यहाँ से आप नाम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जिनमें आपको यहाँ से नेम लिख देना है आप किस नाम से आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं, फादर्स नेम क्या रहेगा फ्रेंड, अपने यहाँ से मदर्स के नेम अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं, स्पाउस है तो डाल सकते हैं, मेल फीमेल सर्च करेंगे, आपकी एज क्या है फ्रेंड, अपनी एज आप यहाँ से टाइप करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे आप रूलर से हैं या फिर अर्बन से हैं, आपको अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। इसके बाद फिर अपने यहाँ से विलेज का नाम डाल देंगे, आप किस विलेज से बिलोंग करते हैं, तो आप जिसे यहाँ से जिसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ से डाल देना है, फिर सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे फिर तो ये सर्चिंग करने के लिए थोड़ा सा वेट करना है। इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं फिर यहाँ से, अगर आपको नाम से नहीं मिलता तो आपके पास HDD नंबर है तो वो नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, जो भी यहाँ रहेगा आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसी प्रकार फिर आप अपना यहाँ से राशन कार्ड का नंबर डालेंगे, राशन कार्ड का नंबर डाल के जैसे सर्च करेंगे तो आपके फैमिली अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ से सारी जानकारी आ जाएगी। इसी प्रकार फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बाय मोबाइल नंबर, आप अपना यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे फिर आप मोबाइल नंबर से भी यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर फिर यहाँ से सारी चीज़ें आप सर्च कर लेते हैं और किसी भी तरीके से आपका यहाँ से नाम नहीं आता है तो आपको फिर यहाँ से सिंपली करना क्या पड़ेगा। इसके लिए फिर अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको जाना है अपने पंचायत में, जो आपके सरपंच या फिर मुखिया होते हैं उनसे मिलना है, उन्हें फिर आपको बताना है कि आप अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो आपको आयुष्मान कार्ड की जरूरत है, वो आपको गरीबी रेखा के नीचे नाम कर दें आपका नाम। इसको फिर जैसे यहाँ से सरपंच के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे आपको नाम कर दिया जाएगा, या फिर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं अगर नगर से, आपके इसी तरीके से जो नगर में होते हैं फिर जैसे महापौर हो गया या फिर नगर पंचायत में जो होते हैं, आप उनसे मिलना है जो उसके हेड होते हैं, वहाँ से मिलने के बाद फिर उनसे अपने गरीबी रेखा में अपने नाम को नीचे करवा लेना है, जिससे उनको बताना है आपको आयुष्मान कार्ड की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। जब फिर उनके द्वारा आपके जो कि नाम है उसे गरीबी रेखा के नीचे कर देते हैं, जिसमें आप आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको अपने जो भी नियरेस्ट CMO ऑफिस होता है वहाँ CMO ऑफिस में आपको बिलोंग करना, जो भी उनके द्वारा कागज़ दिया जाएगा गरीबी रेखा नीचे करने के बाद आपको CMO ऑफिस में बिलोंग करना है।
उनसे फ्रेंड आपको रिक्वेस्ट करनी है, उनसे आपको एक बनवाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा उनमें से आप यहाँ से इसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। जब फ्रेंड आपको CMO ऑफिस ये चीज़ें लिख के मिल जाएंगी, तब आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेने हैं और आपको अपना राशन कार्ड ले लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आधार कार्ड भी आपको साथ में लेना है। फिर आपको जाना है किसी भी CSV सेंटर में। जैसे फ्रेंड आप CSV सेंटर में बिलोंग करेंगे, आपको वहाँ से जो भी आपको लिख के मिलेगा CMO की तरफ से जो दिया जाएगा सर्टिफिकेट, आपको उसे दिखाना है। और फिर जो भी आपकी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा तो इसके लिए आपको यहाँ से जो भी दिया जाएगा, फिर यहाँ से समग्र ID नंबर, वो समग्र ID लेना है। और साथ ही साथ फिर आपको अपना राशन कार्ड, वो सारे डॉक्यूमेंट एक CSV वैली को देना है। इसके बाद आपका बहुत ही आसानी के साथ फ्रेंड आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार फिर अगर आपका नाम यहाँ से जो कि बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है आयुष्मान कार्ड की, तो सबसे पहले आपको लिंक कराना पड़ेगा। इसके अलावा फिर जो भी आप तरीका फॉलो करेंगे तो इलीगल माना जाएगा। यही मात्र एक लीगल तरीका है जिसमें सबसे पहले आपको अपने उस नाम को सुधरवाना पड़ेगा, आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में लाना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको CMA ऑफिस से परमिशन आपको जो भी लिखवा के लेना पड़ेगा। फिर आप फिर अपना समग्र ID सारा डॉक्यूमेंट लेके आप CMO ऑफिस में से लेने के बाद आप फिर किसी भी CSV सेंटर में जाके यहाँ से बनवा सकते हैं अपने आयुष्मान कार्ड को। सो फिर ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, सबसे पहले आपको चेक करना है, इसके बाद ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना है जो कि मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सीधा पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करें। मन में कोई भी सवाल तो आप हमसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कॉल पे क्लिक करें। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा इस चैनल पर डेली यूजफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो अपलोड होते रहे, जिसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। इस तक इंटरेस्टिंग टॉपिक जानते, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।